करते हैं आदापुर की तरफ से हमारी जो टीम ने जो सच किया था ट्रॉफी को लेकर, जो ओवर में कई सालों से ट्रॉफी की समस्या थी और जो सॉल्व नहीं हो रही थी, क्योंकि कर्नल का कहो या वाशी से उड़ान आने की जगह पे कहो, लेकिन अचानक से कर्नल डिवीजन जोन 2 के ऑफिसर अशोक दुधे साहब ने जो अपनी टीम को ट्रॉफी टीम को और सीमेंट की टीम को और साथ में जे एन पी टी की टीम को इन्वॉल्वमेंट करके एक जॉइंट टाउनशिप में एक मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद में जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज रहवासियों को वहाँ से प्रवास करने वालों को आने जाने की दिक्कत कठिनाई का सामना बहुत ही कम करना पड़ता है। तो हम जानेंगे यहाँ के ट्रॉफी चौकी के करफड़े से ट्रॉफी चौकी के सीनियर के ऐसे कि आगे जो जामुनपाड़ा और ये साइड में ट्रॉफी होती है इसी तरह से उनका जो एक्शन की टीम है उसी तरह से बरकरार रहेंगे और कितना लोगों को राहत मिलेगी, आइए जानते हैं। देखिए ट्रैफिक के बारे में मेरा तो ऐसा है कि अभी आज दिन हुआ ट्रैफिक के मुख्यमंत्री सर और बाकी के जितने जे एन पी टी वाले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कंटेनर यार्ड्स इन सब लोगों को एक मीटिंग करनी गई थी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से सब ऊपर वाटू शाखा है, कवान पाटा है, तरड़ है, उलवा से यहाँ तक मतलब जसई रोड यहाँ से अपना तिरुवनागिरी वो जामुलपाड़ा से दिगोड़ा तक रोड के कई कई जगह काम भी चालू थे और इस टाइम बारिश की वजह से रास्ते की बहुत बारिश हुई है और रास्ते की खराबी बहुत बड़ी हुई थी, इसी वजह से ट्रैफिक मतलब बहुत ये हो रहा था। तो भी लेकिन रोड में बहुत जगह ऐसा है कि जो भी गाड़ी आती है वो उनको कोर्ट में जाना होता है या किसी सी एफ एस में या कंटेनर यार्ड में, तो ये लोगों गाड़ी को या उनको पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए लोग रोड पे आते हैं। लेकिन हमने मीटिंग डिसाइड करके फिर मीटिंग में जो समस्या हुआ थी वो ज़्यादा से ज़्यादा रोड में पार्किंग नहीं होना चाहिए, इसी वजह से पार्किंग की समस्या पैदा हुई, प्रॉब्लम होता है और जितने भी नागरिक हैं इन लोगों को ट्रैफिक का बहुत दिनों से सामना करना पड़ा। लेकिन अभी हमने आज दिन हो गया, इन लोगों के ऊपर कंटिन्यू रोड में जितनी पार्किंग होती है उन लोगों को जितनी इलीगल पार्किंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की है अभी और कंटिन्यू पेट्रोलिंग रख के और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होने की वजह से फिर अभी ट्रैफिक का प्रॉब्लम ज़्यादा करके ये हुआ है। अभी पब्लिक को ट्रैफिक भी जानी होती नहीं और कहीं भी होने रही है, इसके आगे भी हम ऐसे चालू रखेंगे कि आगे ट्रैफिक नहीं हो और पब्लिक को भी सुविधा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आगे भी ध्यान रखेंगे और ये प्रॉब्लम ट्रैफिक का उसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नल्लोड़े सर। ये थी मेन ट्रॉफिक की हकीकत जो आम जनता को अब तक ही समझ में नहीं आ रही थी कि ट्रॉफिक किस वजह से किस कारण से हो रही, लेकिन जनता ने अभिमान और जनता ने शुक्रिया अदा करना चाहिए इस पूरी टीम का जिन्होंने एक्शन टीम बन के जनता की सुविधा के लिए सब काम किया। आदर से मैं कवरेज कैमरेमैन रह के साथ।